वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ हीरोज फॉर्मूला. ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सबको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट. लेकिन अगर आपके पास हाइट यानी ऑल्टीट्यूड नहीं दिया है तब क्या करेंगे? तब भी आप एरिया निकाल सकते हैं. ये फॉर्मूला दिया है ग्रीक मैथमेटिशियन हीरोज. कई एक बुक में आपको नाम मिलेगा हीरोन्स. सो इट्स वन एंड द सेम, हीरोज फॉर्मूला और हीरोन्स फॉर्मूला. देखिए, इसमें ये चाहिए होता है हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट. बस तीनों साइड्स का मेजरमेंट है, फिर निकाला जाता है सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड्स के मेजरमेंट का सम डिवाइड बाय टू, और फिर आता है हमारा फॉर्मूला. देखिए किस तरीके से करेंगे इसे. मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्राइंगल है जिसके साइड्स का मेजरमेंट ए बी और सी है. ए बी सी यानी अगर ये साइड की लेंथ है, ये वाली इस साइड की लेंथ और ये लेंथ इधर, तो सेमी पेरीमीटर आता है तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करके डिवाइड बाय टू करिए. उसके बाद निकालेंगे हम एरिया. एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इस पूरे का अंडर रूट. बस ये देखिए इतना सिंपल फॉर्मूला है. पहले आपने एक ट्रायंगल में सारे मेजरमेंट्स लिए, सेमी पेरीमीटर निकाला और फिर उसके बाद आपने एरिया का फॉर्मूला लगाया. बस विद इन फ्यू मिनट्स आपका एरिया ट्रायंगल का तैयार है जब आपके पास ऑल्टीट्यूड नहीं है. ध्यान रखिए ये फॉर्मूला तब ज़्यादा एप्लीकेबल है जब आपके पास ऑल्टीट्यूड नहीं है. जैसे हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वो वाला फॉर्मूला तब लगेगा. जैसे कि आपके देखिए, अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ आपको बेस दिया है और ये हाइट दी है, तब आप लगाइए हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वो ज़्यादा आसान रहेगा. और यहाँ पर जब आपके पास सारी साइड्स हैं तब ये. चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं. चलिए देखते हैं. मेरा पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइज है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर्स. अब हमें निकालना है इसका एरिया. जैसा कि मैंने कहा, इसमें हाइट यानी ऑल्टीट्यूड आपको नहीं दिया है, तब आपको हीरोज फॉर्मूला का यूज करना है. चलिए सबसे पहला स्टेप था हमारा सेमी पेरीमीटर निकालना, यानी इन तीनों का सम, उसको डिवाइड करना है टू से. सो 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 2. देखिए ये आ गया 25, 30, 30 डिवाइड बाय 2 इज 15. ये लिख लिया हमने सेमी पेरीमीटर. अब लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका अंडर रूट. ये ए बी सी है मेरी तीनों साइड्स के मेजरमेंट, यानी ए 5, बी 12 और सी को हम 13 मान सकते हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ए बी और सी किसको माना है, लेकिन ये तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स हैं. अब ये देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 15 माइनस ए, 15 माइनस 5, 10 डायरेक्टली पुट कर लिया. 15 माइनस 12 यानी 15 माइनस बी 3, फिर आया आपका 15 माइनस 13 यानी 2. अब इन सब का हमने जब लिया अंडर रूट, अब देखिए दो तरीके हैं यहाँ रूट निकालने के. एक ये कि आप पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालें स्क्वायर रूट मेथड से. इसके अलावा आपके पास ये मेथड होना चाहिए कि आप इसको एग्जाम में क्विकली कैसे कर सकते हैं. 15 को आप इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखिए 5 इंटू 3, 10 को 5 इंटू 2 और एक ये 3 इंटू 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, इन्हें वैसे ही रहने दीजिए. आप देखिए 3 के पेयर बन जाते हैं तो आपने एक 3 बाहर लिखा, 5 के पेयर हैं आपने एक 5 बाहर लिखा, 2 का है आपने एक 2 बाहर लिखा. क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन था तो आपको एक एक सिंगल सिंगल टर्म लिखनी है. 5 इंटू 3 15 इंटू 2 आपका सीधा आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ये सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में थी. तो अब आप देखिए कि कितनी ही आसानी से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है जब आपके पास तीनों साइड्स हैं. ये यूजुअली इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहाँ होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ट्राइंगुलर प्लॉट देखा या खरीदा, तो उसका एरिया निकालने के टाइम आपके पास ऑल्टीट्यूड नहीं होता. जनरली आपके पास तब तीनों साइड्स का मेजरमेंट होता है.
तब ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है जहाँ साइज जो है आप हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे। इसका मेजरमेंट है 24, 32 और 40। मेथड आपका सेम रहेगा। पहला काम है आपका सेमी पेरीमीटर निकालना, 24 प्लस 32 प्लस 40, इसका आपको करना है आधा। हमेशा यही एक मेथड रहेगा सेमी पेरीमीटर निकालने का, 24, 32 और 40 रखिए, 72 प्लस 4, 76, 96, 96 डिवाइड बाय 2 यानी 48। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया 48। सबसे पहला काम हमारा यहाँ तक था। अब आते हैं हम एरिया के फॉर्मूला में। एरिया का फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल अंडर रूट। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए एस की जगह 48, एस माइनस ए यानी 48 माइनस 24 इज 24, देन एस माइनस 32, 48 माइनस 32 इज 16 एंड देन 48 माइनस 40 दैट्स 8। यहाँ भी हम देखेंगे अगर ध्यान से तो हमें पूरा ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। देखिए 24 एक है लेकिन 48 में 24 एक और है, सो 24 इंटू 2 लिख सकते हम, 24 इंटू 2। सारे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 24 को एज इट इज़ लिख लिया। 16 को भी मैंने एज इट इज़ इसलिए लिखा क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है। अच्छा, उसको लिखने की एक और वजह है कि 24 के पेयर बन गए, लिख दिया। इस 2 को और इस 2 को कंबाइन करिए, एक पेयर बन गया, आपने 2 बाहर निकाल लिया। अब देखिए 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और एक बचा आपका 4, उसका स्क्वायर रूट 2। बस इतना सा काम था। अब आप इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 8 8 इंटू 2 16 इंटू 24 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया जब आपके पास ट्रायंगल के मेजरमेंट्स इतने बड़े हैं। देखिए विद इन अ मिनट, जरा सी प्रैक्टिस करेंगे विद इन अ मिनट आपका आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व करना गलत है कि आप इसको पहले पूरा एक नंबर बनाएं, वो तरीका मत अपनाइएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड, ब्रेक इट इनटू ईदर प्राइम फैक्टर्स या ऐसे फैक्टर्स जिन जिनका पेयर आपको मिलता जाए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सेकेंड क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंशन है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल यानी ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। तब आपका क्या कंसेप्ट होना चाहिए, आपके पास एरिया निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं, आपके पास एक हीरोज फॉर्मूला और एक है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब आप एरिया तो पता ही आपको कि सेम रहेगा, तब आपको करना क्या है, दोनों फॉर्मूलेज को इक्वेट कर दीजिए। अब देखिए एरिया हमने अभी निकाला था हीरोज फॉर्मूला से, अभी हमने निकाला था 384, तो हम यहाँ पर अगर लिखते हाफ। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि कौन सा बेस लेना है तो आप कोई भी अपनी पसंद का बेस ले सकते हैं, इधर 24, 32 या 40। एक बात ध्यान रखने की, कोई भी बेस हो, कोई भी ऑल्टीट्यूड हो, एरिया हमेशा सेम रहेगा। चलिए यह एरिया हमारा आया था 384। अब अगर हमें हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको तो 12, तो ये 12 यहाँ से जब था यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 12 इससे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 थ्री ज़ा 36, 24 12 टू ज़ा, तो आपकी ये देखिए इसकी एक एप्लीकेशन हो गई इस फॉर्मूले की आपके पास। जनरली एग्जाम्स में आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर बेस लेना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमारे को दिया था कि 24 सेंटीमीटर को बेस लेना है और वहाँ से हाइट निकालनी है, तो अभी जो हमने निकाला वो ये चीज़ है, ये ऑल्टीट्यूड हमने निकाला। यहाँ इस वर्टेक्स से बेस पे जो ऑल्टीट्यूड निकाला उसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर्स। इसी तरह हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि किस तरीके से हीरोज़ फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्वाड्रिलैटरल का, जिसकी चारों साइड्स या कभी कभी चार साइड्स डायगोनल्स और भी बहुत सारे तरीके के वैरायटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका एरिया हम किस तरह निकाल सकते हैं।
ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. आगे आने वाले एपिसोड्स में जब आप देखेंगे तो समझेंगे ज्योमेट्री में इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो स्टे ट्यून टू Ideainfini. Hope you are liking all our videos. So, send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Ideainfini.